दोस्तों आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं R95 फिशिंग। आज आपको हम मछली के लिए जो चारा बनाते हैं उसके लिए एक रेसिपी बनाएंगे। आप हर प्रकार के मछली के चारे में इसको मिला सकते हैं। इसको बोलते हैं चावल पुलाव। देखिए, एक कप चावल का आटा है, इसमें एक कप चावल का आटा डाल रहे हैं। ये चावल का गुड़ा है, एक कप चावल का गुड़ा था, पिसा हुआ चावल था। अब इसको हल्का से पीसते हैं, ये हल्का से इसको हल्का से चलाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या सामान हम मिलाते हैं चलाने के बाद। जब ये हल्का से लाल हो जाएगा, हल्का से क्रीम कलर का हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे सामान। बस हल्का से इसको खाली गरम करना है। अगर आप अगर कतला मछली पकड़ते हैं तो कतला के चार में मिलाइए, और रेहू है तो रेहू के चार में मिलाइए, मिर्गेल या नैनी बोलते हैं उसमें मिलाइए, तो गुलफाम मछली शिकार करते हैं उसके चारा में मिलाइए। चारा में मिलाने का रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है और एकदम कारगर है। ये रेसिपी बहुत कारगर है। तो देखिए इसमें क्या क्या मिलाते हैं। देखिए आराम से पहले से थोड़ा हल्का सा लाल होने दीजिए। देखिए हल्का हल्का लाल हो रहा है, खुशबू निकल रहा है इससे लाल होने का। अब इसमें हम मिलाते हैं दोस्त थोड़ा से नारियल का तेल। देखिए ये नारियल का तेल है, ये नारियल का तेल है, इसमें थोड़ा से नारियल का तेल देंगे, जलना नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें देंगे असली घी। इसमें दिया पहले नारियल का तेल, एकदम कच्चा नारियल का तेल दीजिएगा, जला के नहीं दीजिएगा। अब इसमें देंगे एक चम्मच असली घी। देखिए हल्का हल्का क्रीम कलर का हो गया, ये वाइट से ही हल्का क्रीम कलर का हो गया। अब इसमें देते हैं असली घी। देखिए दोस्तों ये असली घी है, अब इसमें देते हैं असली घी। इसमें देंगे, उसके बाद देंगे जो इलायची पीस के रखा है, छोटा इलायची, छोटा इलायची का पिसा हुआ गुड़ा देंगे और कूटा हुआ इलायची देंगे, दोनों देंगे इसमें। उसके बाद ये चावल, तो बोलते हैं चावल पुलाव बोलते हैं इसको हम लोग मछली के चारे में लगाने के लिए। तो चलिए इसमें देते हैं। देखिए ये इसमें कूटा हुआ इलायची है, देखिए ये कूटा हुआ इलायची है, तो ये कूटा हुआ इलायची इसमें देते हैं। अब देखिए इससे खुशबू आ रहा बेहतरीन। ये आपका चावल पुलाव अब रेडी हो जाएगा। अब इसमें देंगे हम गुड़ा किया हुआ इलायची। देखिए ये छोटा इलायची है, इस इलायची को हमने दिया था, ये इलायची दिया था, ये इलायची को कूट के दिया है, और इसी को ये देखिए इसमें पीस के रखा है। देखिए इसमें पिसा हुआ है इलायची, देखिए पिसा हुआ। अब इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच से कम देंगे। देखिए दोस्तों टूटा हुआ थोड़ा इलायची दे दिया, बस और कुछ नहीं करना है। ये आपका चावल पुलाव बिल्कुल रेडी। तो चावल पुलाव ही बोलते हैं, तो जो आपके घर में चावल खाते हैं उसी का जो है बढ़िया से उसको पीस ले, कूट ले, जो भी करे, हम जस्ता में सील बढ़िया में कूट के उसके बाद इसको चावल पुलाव बना लें। देखिए दोस्तों ये चावल पुलाव अब रेडी हो चुका है। इसमें हमने दिया है आपको नारियल का तेल, असली घी, इलायची कूटा हुआ जो था कूटा हुआ, और महीन किया हुआ इलायची, दोनों इलायची दिया है, और चावल पीसा हुआ चावल है इसमें। तो ये भात पुलाव, और ये रेहू, मिर्गेल और कतला शिकार करते हैं, जो भी मछली आप शिकार करते हैं उसका जो चारा आप बनाते हैं, इतना चम्मच से उठा के इतना चारा में आप मिला दें, बस
और फिर अभी हम जब चारा बनाएंगे तो आपको इसको मिलाकर बनाकर हम दिखाएंगे। और बाकी जो भी आप मछली शिकार करते हर मछली के चारे में ये रेसिपी आप मिला सकते हैं। इसको बोलते हैं चावल पुलाव, हमारे यहाँ इसको चावल पुलाव जाता है, हर शिकारी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका पैकिंग भी मिलता है, रेडी मिलता है। चावल पुलाव रेडी होने के बाद इसे ठंडा कर ले, और ठंडा करने के बाद देखिए ऐसा जार आता है, इसको जार बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं, इस ऐसा जार है, डब्बा में इसको भर के रख ले। और जब भी शिकार करने जाए, शिकार के वक्त जितना चारा बनाते हैं उसी हिसाब से ये रेसिपी जो है भात पुलाव और चारे में मिलाकर आप मछली शिकार करें। और देख ले चारे जब बनाते हैं तो उसमें इतना डालें ताकि चारे में आपका खुशबू आ जाए। जब चारा में आपका खुशबू आएगा तभी मछली ज़्यादा से ज़्यादा आपका शिकार होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।